हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई सीबीएसई के जो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, तो टॉपिक्स डिलीट होने के बाद अब आपको जो है कौन कौन सी वीडियो देखनी है और कौन कौन सी वीडियो जो है नहीं देखनी है। तो आज की वीडियो जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो हैं गलती से वो भी वीडियो देख लेते हैं जो आपको नहीं देखनी है, जो आपके सिलेबस से जो है हट चुकी है। तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए, केवल एक ही रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है कौन सी प्लेलिस्ट में जाना है, कहाँ पर जाना है और कौन कौन सी वीडियो को जो है आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको आ जाना है चैनल पर। ठीक है, चैनल पर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जो है आ जाना है। ठीक है, अभी बच्चों को प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी नहीं मिलता। अरे भाई, आप पहले चैनल पर आइए। चैनल पर आने के बाद आपको होम का मिलेगा, वीडियो सेक्शन का मिलेगा, प्लेलिस्ट का मिलेगा। आप कहते मेरे फ़ोन में प्लेलिस्ट का ही ऑप्शन नहीं आ रहा, तो पहले तो आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, ट्वेल्थ वाला ये सब ग्रेजुएशन का है। आपको यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है ये 127 वीडियो वाला जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स फुल सिलेबस। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने समष्टि अर्थशास्त्र की और समष्टि के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की सारी वीडियो जो है मैंने यहाँ पर डाल रखी है। ठीक है, पूरा का पूरा दोनों बुक्स जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है डली हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा सेपरेट भी मैंने समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से बना रखी है, वो भी बताऊंगा कैसे देखना है। अदरवाइज़ अभी पहले यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से आप वीडियो को कैसे देखेंगे, कौन कौन सी नहीं देखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात तो आपको जो है वीडियो नंबर एट आपको जो है नहीं देखनी है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि भाई 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको जो है नहीं देखनी है। वीडियो नंबर 8 चाहो तो लिखना, चाहो तो एक जगह लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, वीडियो नंबर 8 के बाद अब आते हैं, उसके बाद आपको क्या क्या नहीं देखना है देखिए। उसके बाद आपको 15, 16 और 17 ये भी आपको नहीं देखना है, ये भी आपके सिलेबस से जो है हट चुका है। ठीक है, 15, 16, 17 उसके बाद बाकी आपको सारी के सारी वीडियोस देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको वीडियो नंबर 29 ये आपको जो है नहीं देखनी है। कौन सी वीडियो नंबर 29 ये आपको जो है नहीं देखनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं फिर 29 के बाद आपको वीडियो नंबर 30, 31 ये भी आपको जो है नहीं देखनी है। मतलब कि 29, 30, 31 ये आपको जो है नहीं देखनी है, लिख लीजिए एक जगह पर। ठीक है, 29, 30, 31 नहीं देखनी है, क्योंकि मुद्रा के कार्य, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये सारी चीज़ें निजी आय, व्यक्तिगत आय, ये आपके सिलेबस में जो है नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं मुद्दे पर कि अभी जो सीबीएसई ने जो कल जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियो नंबर 34 जो है ये भी आपको नहीं देखनी है। केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित करता है, ये टॉपिक का जो है अभी डिलीट हो चुका है। ठीक है, बाकी सारी देखनी है, केवल जो जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे लिख लीजिए एक जगह, 34 वाली भी आपको नहीं देखनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे सारी के सारी वीडियो देखनी है। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये सारा का सारा आपको जो है देखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए, अब वीडियो नंबर जो 49 है यहाँ पे भुगतान शेष क्या है, भुगतान शेष के घटक, तो यहाँ पे भाई केवल इस वीडियो के अंदर एक टॉपिक है घाटे का जो बजट, घाटे का भुगतान संतुलन। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक केवल आपको नहीं पढ़ना है, केवल उसका अर्थ है। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ना है इस वीडियो के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा 49 वाला आपको देखना ही नहीं है, देखना है इसके अंदर केवल घाटे का जो भुगतान संतुलन होता है केवल उसका अर्थ आपको जो है नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ना है।
उसके अलावा आपको वीडियो नंबर 52 इसके अंदर भी देखोगे यार विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, ये टॉपिक जो है आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें जैसे मुद्रा का मूल्यन, मुद्रा का ह्रास, ये वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मत पढ़ना विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, ये वीडियो देखनी है, लेकिन इसके अंदर ये टॉपिक है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण ये कैसे होता है, ये टॉपिक जो है आपका डिलीट हो चुका है, बाकी आप जो है इसको कवर करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका समष्टि का। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास पर। तो यहाँ पर आप देखोगे 53 से जो है 53 से भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की वीडियो चालू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है कौन कौन सी वीडियो नहीं देखनी है, यहाँ से मेरे भाई आपको सारी की सारी वीडियो देखनी है। सबसे पहले आप आएंगे नीचे यहाँ पर वीडियो नंबर 88 पर, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये वाली वीडियो आपको जो है नहीं देखनी है, क्योंकि इसके अंदर बताया है शिक्षा जो है, शिक्षा का विस्तार अभी कैसे हो रहा है, पहले कितने स्कूल कॉलेजेस थे अब कितने स्कूल कॉलेजेस हैं, ये वाला टॉपिक जो है आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो है वीडियो नंबर 93 ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि क्या होती है, ये भी आपको जो है नहीं पढ़ना है, एक जगह लिख लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो नंबर 93 ये भी आपको जो है नहीं देखनी है। इसके अलावा वीडियो नंबर 106 ये ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के प्रकार, ये वाली वीडियो भी जो है आपको नहीं देखनी है, ठीक है। ऊर्जा वाला टॉपिक भी जो है आपका डिलीट हो चुका है। तो इसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के अंदर दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो नंबर 88, वीडियो नंबर 93 और वीडियो नंबर 106 ये आपको जो है नहीं देखनी है, बाकी इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी वीडियो है वो सब की सब देखनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ये जो है यहाँ पे बाकी सारी की सारी वीडियोज़ यहाँ पे आपको शो हो ही रही होंगी, ठीक है। तो ये बाकी सारी की सारी वीडियो जो है आपको देखनी है, इसमें से और कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो जो मैंने बताया है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो नंबर 8, 15, 16, 17, 29, 30, 31, ठीक है, और इसके अलावा 31 के अलावा 34, 49, 52, 88, 93, 106 ये आपको एक भी नहीं देखनी है। तो बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करिए, ठीक है। आप वो भी टॉपिक पढ़ लेते हो जो आपको नहीं पढ़ना है, फिर कहते हो हमने तो पढ़ दिया जी सर, आपने पहले नहीं बताया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर, इसके अलावा आप चाहो, एक तो इस वाली प्लेलिस्ट में मैंने आपको बता दिया है कि भाई पूरा 12th का सिलेबस जो है इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर हैगा, ठीक है। इसके अलावा और इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या है, और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो हैं आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। नीचे आप देखोगे व्यष्टि और समष्टि, जब आपका ये रहे यहाँ से आप देखोगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के, समष्टि के सारे MCQ भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। और MCQ के साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम भारतीय अर्थव्यवस्था विकास से, कितने भी क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के, वो भी आपको सारे के सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के MCQ वगैरह सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको अवेलेबल है। तो ये एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है क्लास 12th वालों के लिए। अगर आपको यहाँ से नहीं देखना है तो मैंने सेपरेट जो है, आप जब नीचे आएंगे देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी है और भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के नाम से भी है। आप यहाँ से देखना चाहते हो यहाँ से भी देख सकते हो, ये भी वही वीडियो है जो वहाँ पर है, बट ये वहाँ पर जो है कंबाइंड है दोनों ही बुक्स का, और यहाँ पर जो है सेपरेट है, समष्टि की अलग है और भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की अलग है, वीडियो वही है, यहाँ से भी वही वीडियो नहीं देखनी आपको जो वहाँ पर है, ठीक है। बाकी सारी की सारी वीडियो आपको देखनी है, ये भी वही है और ये यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की 64 वीडियो ये भी वही है, ठीक है। यहाँ से भी वही टॉपिक नहीं देखने। तो जैसे भी आप पढ़ना चाहते हो किसी भी प्लेलिस्ट से, वैसे आप जो है पढ़ सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको जो है भैया कैसे पढ़ना है, कौन सी वीडियो देखनी है और कौन सी वीडियो नहीं देखनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।